Now, scientists के according, केरला में 1896 से हो रही रेड रेन की वजह क्या थी? Meteor dust, algae spores या thorium deposits. Obviously, because of the color, it was also called blood red. वैसे हमें कहा जाता है ना कि colored कपड़े अलग धोने हैं और white कपड़े अलग. पर जब ये red rain हुई होगी, सोचो जो कपड़े बाहर सूख रहे होंगे, सारे white color के कपड़े pink color के हो गए होंगे, है ना? अलग से color palette बन गया होगा. सोचो तो एक बार सोचो. But इस red rain की वजह क्या थी? यही बताना था आपने मुझे. And the right answer is algae spores. कितने लोगों ने दिया है सही जवाब? पहले बात, स्पोर्स एकदम ना टाइनी बीज जैसे होते हैं जो मॉस और एल्गे रिलीज करते हैं. ये एक यूरोपियन स्पीशीज ऑफ ग्रीन माइक्रो एल्गे जिसका नाम काफी टेढ़ा है तो मैं वो नहीं बोल पाऊंगी, उसकी वजह से हुआ था. 3205 लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, 750 लोगों ने लाइफ यूज कर ली है, विच मीन्स 3920 लोग आज 11 के 11 सवाल एकदम पार कर गए हैं. इसीलिए आपकी खुशी, मेरी खुशी, सम्मिलित खुशी, इतनी खुशी. 1,00,000 में से आपका शेयर. आपको बहुत बहुत मुबारक हो. फटाफट से सेलिब्रेशन हो जाए. सवाल भी जीत लिया आपने, बताइए. और अभी 1,00,000 में से अपना शेयर जीत लिया, 25 रुपए. यार क्या कमाल करते हो. और आगे भी बढ़ करके चलोगे मेरे साथ क्योंकि मेरे सवाल तो आज आपको पता है रुकेंगे नहीं, क्योंकि आज खेल रहे हैं हम कौन बनेगा लखपति एडिशन ऑफ ब्रेन बाजी. जीतू मैं जीते इंडिया. यहाँ पर क्या होता है कि मैं यानी कि मेघा आपसे सवाल पूछती जाएगी क्योंकि मैं आपकी क्विज मास्टर हूँ. और मेरे सवाल बढ़ते जाएंगे और मेरे साथ जो जो लोग चलते जाएंगे उसमें लास्ट में जो 1 लकी इंसान बनेगा ना उसी की जेब में जाएंगे पूरे के पूरे 1,00,000 रुपए. मतलब 1,00,000 और 000, वो 1,00,000 रुपए ना उसी इंसान की जेब में जाएंगे. भाई साहब, अब एक्साइटमेंट का लेवल ना थोड़ा और बढ़ जाएगा क्योंकि मैं 12th क्वेश्चन पढ़ने जा रही हूँ. ये रोज नहीं होता है ब्रेनबाजी पर. हाँ, अब पढ़ती हूँ 12th क्वेश्चन फॉर 3920 पीपल ऑन योर स्क्रीन्स. ये रहा, इनमें से पहली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको गांधी पीस प्राइज मिला था? इसरो, रामकृष्ण मिशन या यूपीएससी? अब ये जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्पेस एजेंसी है. वहीं स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी. यूपीएससी या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करती है. बट इन तीनों में से ही गांधी पीस प्राइज सबसे पहले किसको मिला था आपने मुझे वो बताना था. हाँ, द राइट आंसर इज रामकृष्ण मिशन. 1998 में मिला रामकृष्ण मिशन को ये अवार्ड और 2014 में मिला इसरो. So, यूपीएससी अभी भी वंचित है इस अवार्ड से. बट अगेन, ये क्या दिख रहा है मुझे मेरी स्क्रीन पर? ज्यादा लोग गलत जवाब दे बैठे हैं, इसलिए गब्बर सुनो तुम इधर ही रहो, ठीक है? साइड में खड़े में मैं तुम्हें बुलाती रहूंगी. इसलिए ये बनता है हमारा आज का चौथा गब्बर सवाल. की लाइफ यूज हो चुकी है क्वेश्चन नंबर 12 पे और गेम में अभी भी मौजूद है 1748 लोग जो अटेम्प्ट करेंगे मेरे साथ आज का स्पेशल 13वां सवाल. कौन बनेगा लखपति एडिशन? आप खेल रहे हो यार, बहुत स्मार्ट हो, तब तक यहां तक पहुंच चुके हो. देखते हैं कौन होगा वो 1,00,000 इंसान जो पूरे 1,00,000 रुपए ले जाएगा. ऑन योर स्क्रीन्स क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा, इनमें से कौन सी फिल्म रिकॉर्ड होल्ड करती है फॉर विनिंग द मोस्ट फिल्म फेयर अवार्ड टिल डेट? ब्लैक, लगान या कुछ कुछ होता है? एक सेकंड रुको, एक सोच लो, एक चीज करके दिखाऊं. लगता है बर्फ पड़ने वाली है. फटाफट से सुन लो ये फिर. हाँ, कुछ और भी शेयर करना है मेरे को. ब्लैक संजय लीला बंसाली ने बनाई थी, स्टारिंग रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन. लगान का क्रिकेट मैच एकेडमी अवार्ड जीतने के लिए नॉमिनेटेड था. और कुछ कुछ होता है उस करण जौहर डायरेक्टोरियल डेब्यू. अब मजे की बात, जो रोहित शेट्टी वाली गोलमाल वन थी ना, उसका ब्लैक वाला सीन याद किया आपने? कितना ज्यादा फनी था ना. एंड जो ओरिजिनल ब्लैक है उसमें ओरिजिनल सीन वो सो मूविंग. और सही जवाब क्या है? सही जवाब भी ब्लैक ही है. ब्लैक ने अब तक हाईएस्ट 11 फिल्म फेयर अवार्ड जीत लिए हैं. या ब्लैक इज द राइट आंसर. बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बोथ पॉपुलर एंड क्रिटिक्स. बेस्ट एक्ट्रेस, अगेन बोथ पॉपुलर एंड क्रिटिक्स. बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर और बेस्ट फिल्म बोथ पॉपुलर एंड क्रिटिक्स. लो भैया बताओ, 623 लोग बॉलीवुड फ्रीक्स जस्ट लाइक मी, सुपर डुपर फूपर वर्क. 128 लोगों ने लाइफ यूज कर ली है एंड 751 लोग स्टिल इन द गेम गोइंग स्ट्रॉन्ग.
सेकेंड अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 14 ऑन टुडेज स्पेशल एडिशन ऑफ ब्रेनबाजी, कौन बनेगा लखपति पर? पढ़ दूं अब 14वां सवाल, ये थोड़ा सा टफ है, बट सुनिए, सुन लीजिए अब, देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर। इन 10 इयर्स ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज ट्विन इज नाउ। हाउ ओल्ड इज ए राइट नाउ? 15, 5 या 10? अब पहले मैथ्स में पढ़ने पड़ते थे ऐसे क्वेश्चंस, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रीजनिंग में भी पढ़ना पड़ता था ये, बट ठीक है, मेरा फंडा मैथ्स को लेकर के ना बहुत ही क्लियर लेता था कि जो आता है ना बस उसी की प्रैक्टिस कर जाओ तसल्ली से, ताकि उसके नंबर तो भैया आपको मिल ही जाए, बट यहाँ ब्रेन्स लगाने हैं आपने तसल्ली से, तभी आप 1,00,000 रुपए लेकर के जाएंगे अपनी पॉकेट में। द राइट आंसर ट्विन मतलब दोनों की एज अभी सेम है, ए का ट्विन 10 साल में डबल होगा मतलब 20 इयर्स होगी, तो अभी दोनों की एज कितनी हुई? 10। लो जी, सही जवाब दिया है 343 लोगों ने और 39 लोगों ने कर लिया है लाइफ यूज, सो अभी गेम में मौजूद है 382 लोग। भाई साहब गेम अब मजेदार होगा, देखते हैं 15वां सवाल कितने सारे लोग सही जवाब देंगे इसका और आगे चलेंगे मेरे साथ 1,00,000 रुपए के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्रिकेट से ऑन योर स्ट्रीम्स, ये रहा। इनमें से किसके अगेंस्ट सचिन तेंदुलकर ने मोस्ट टेस्ट सेंचुरी स्कोर करी है? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज? वैसे बता देती हूँ आपको क्योंकि मैं क्रिकेट फैन हूँ, अब नॉलेज फ्लॉन्ट करनी तो बनती है ना, जहाँ पे क्रिकेट का सवाल आ जाएगा। वैसे सबसे ज्यादा टेस्ट सेंचुरीज ना तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मारी है, पता है कितनी? 11। बट थोड़ी शानी भी हो ना मैं, तभी तो वो इन तीनों ऑप्शन में से मेंशन नहीं है। इन तीनों में से किसके अगेंस्ट मारी है आपने मुझे वो बताना था। और बाय द वे, टेस्ट सीरीज से याद आया कि कल से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की फर्स्ट टेस्ट सीरीज का मैच है, तो प्रे करना यार कि ये सीरीज हम ही जीत जाए। अभी के लिए जवाब भी आ चुके हैं, राइट आंसर इज इंग्लैंड। तेंदुलकर ने ना टोटल में 51 टेस्ट सेंचुरीज बनाई, जिसमें से 11 उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बना दी है, 7 उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट बनाई है, कीवीज बोले तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने 4 बनाई है, और विंडीज यानी कि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उन्होंने 3 बनाई है। अब ये लो, 25 का गणित तो मैंने आपको दे दिया है, बाकी 26 का हिसाब आप अपने आप लगा लेना। 199 लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, 21 लोगों ने लाइफ यूज कर ली है, सो 220 पीपल स्टिल इन द गेम विल अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 16 ऑन टुडेस क्या स्पेशल एडिशन ऑफ ब्रेनबाजी, कौन बनेगा लखपति पर? आई एम सो एक्साइटेड यार, एक इंसान आज पूरे 1,00,000 रुपए लेकर के जाए, पता है ना आपको कैसे? बस मैं सवाल पूछती जाऊंगी क्योंकि मेरे सवाल तो रुकने नहीं वाले, और जो एक लकी इंसान मेरे सारे सवालों के जवाब देता चला गया बिल्कुल एंड तक, उसको दे दूंगी मैं 1,00,000 रुपए। तो चलिए अभी के लिए 16th क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ऑन योर स्क्रीन्स ये रहा। 2012 में रिलीज हुई सलमान रश्दी की ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने इनमें से किसे ऑनर नहीं किया? एंटन चेकोव, जोसेफ कॉनराड या फ्योडोर दोस्तोवस्की? बता दें कि सलमान रश्दी बुकर प्राइज विनिंग ब्रिटिश इंडियन नॉवलिस्ट है, एंटन चेकोव एक रशियन प्लेराइट और शॉर्ट स्टोरी राइटर है, वहीं जोसेफ कॉनराड ये एक पोलिश ब्रिटिश राइटर है एंड इज कंसिडर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट। बट जिस ऑप्शन के बारे में मैंने आपको नहीं बताया है ना, वो ही सही जवाब है, फ्योदोर दोस्तोवस्की इज राइट आंसर। सलमान रश्दी ने 2012 में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जोसेफ एंटन अ मेमोयर, उन्होंने ये नाम चूज किया था टू ऑनर जोसेफ कॉनराड एंड एंटन चेकोव, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। 105 लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, 11 शगुन के 11 लोगों ने लाइफ यूज कर लिए, 116 लोग अभी भी मेरे साथ गेम में मौजूद हैं, अटेम्प्ट करेंगे 17वां सवाल आज के स्पेशल एडिशन ऑफ ब्रेनबाजी। जीतो मैं जीते इंडिया पर, बट सुनो देखो आज तो आप कौन बनेगा लखपति खेल रहे हो हाँ इतनी स्मार्टली, बट अभी जो कमिंग थर्सडे है ना वो स्पेशल है। स्पेशल क्यों? क्योंकि अब से बाजी ना ऊपर जो ब्रेनबाजी खेलते वक्त हर थर्सडे स्पेशल होगा, बिकॉज इट्स कॉल्ड द स्टारी थर्सडे, एंड इस थर्सडे आ रही है श्रेया राव, फेमिना मिस इंडिया सेकंड रनर अप, किसके साथ? देव के साथ। तो बस जितने एक्साइटेड आप रहेंगे उतने एक्साइटेड है मैं, अभी 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो क्योंकि ये भी एक्साइटिंग है। ऑन योर स्क्रीन्स नाउ, इनमें से किसे 1977 में प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने प्रेसिडेंसी ऑफर की थी? घनश्याम दास बिरला, होमी जहांगीर भाभा या रुक्मिणी देवी अरुण देव?
फखरुद्दीन अली अहमद जो कि इंडिया के फिफ्थ प्रेसिडेंट थे, उनकी डेथ के बाद पीएम मोरारजी देसाई ने इस पर्सनालिटी को इंडियन प्रेसिडेंट बनने का ऑफर दिया था, पर इस पर्सन ने वो पोलाइटली रिफ्यूज कर दिया। इन तीनों मेंशन ऑप्शन में से है कोई? सोचो क्या होगा सही जवाब। 10 सेकंड्स आपके ओवर हो चुके हैं, आप आंसर्स लॉक कर चुके हैं और आंसर्स मुझ तक पहुंच चुके हैं। द राइट आंसर इज रुक्मणी देवी अरुणडेल। इंटरेस्टिंगली सोचो एक बारी सोचो, हां अगर रुक्मणी देवी अरुणडेल ने ये अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करी होती तब इंडिया की एक साथ वुमन प्रेसिडेंट और वुमन प्राइम मिनिस्टर भी होती, क्योंकि इंदिरा गांधी 1977 के बाद फिर से 1980 में इंडिया की पीएम बनी थी। ओ भाई साहब, 35 लोगों ने सही जवाब दिया है, 6 लोग अपनी लाइफ यूज मतलब बचा करके बैठे जो थे जो इस वाले सवाल पर यूज हो गई है। 41 पीपल रिटेन्ड इन द गेम विल अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ टुडेस स्पेशल एडिशन ऑफ ब्रेनवाजी। कौन बनेगा लखपति पर 18वां सवाल ऑन योर स्ट्रीम्स डांस रिलेटेड है। ये रहा, इनमें से कौन सा इंडियन डांस परफॉर्म किया जाता है ग्रास कटर्स के द्वारा, छन, कैची या लेटरी? ये घास काटते वक्त नाचते हैं ड्रम्स के रिदम पर। 10 से 50 डांसर्स एक समय पार्ट ले सकते हैं इसमें। ये फोक कल्चर में ना काफी पॉपुलर फॉर्म ऑफ डांस है। पता है आपको, छन जो है ये पंजाब का एक पॉपुलर फोक डांस है। छन का मतलब मून होता है। ओए होए, ए हाँ चन्ना मेरिया मून, करेक्ट। अब मुझे समझ में आया, याद आ गया। कैची कश्मीरी फोक डांस है और इस नाम का फोक सॉन्ग भी है। ये गाना एक लड़की की ट्रू लव स्टोरी के बारे में है। हाँ बट सही जवाब क्या है? सही जवाब लेटरी है। इसे लेबर डांस भी कहते हैं। इसके बाद पता है इन्हें राइस और घी सर्व किया जाता है। ड्रम्स बजाने के लिए ड्रम प्लेयर को भी इन्वाइट करा जाता है। ओ माई गॉड, सिर्फ 6 लोगों ने सही जवाब दिया है, एक इंसान ने लाइफ यूज कर ली है। मतलब 19वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे कितने साथ लोग, कितने लोग मेरे साथ? 7 लोग भाई साहब। अब हम अब बेसिकली गेम और इंटरेस्टिंग हो रहा है, और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए मेरी स्क्रीन पर रेडी है, आपने रेडी होना है। फटाफट से अपने फोन की बैटरी चेक कर लीजिए और अगर प्लग इन नहीं है चार्जर में तो चार्जिंग पे लगा लीजिए और फोन को एयरप्लेन मोड पर डाल के खेलिए ताकि कोई फोन ना कर दे बीच में, क्योंकि आप इतना इंपॉर्टेंट गेम खेल रहे हैं। आज कौन बनेगा लखपति एडिशन ऑन ब्रेनबाजी, जीतो मैं जीते इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। द स्टेट बर्ड ऑफ डैश इज नॉट नेम्ड आफ्टर द वाइफ ऑफ एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, मेघालय, मिजोरम या मणिपुर? ब्रिटिश नेचुरलिस्ट एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के को फाउंडर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की वाइफ के नाम पर रखा गया है इस बर्ड का नाम। वैसे नेचर लवर मैं बहुत हूँ, मतलब मैं इस लेवल की नेचर लवर हूँ कि जब मेरा बेस्ट फ्रेंड कभी मतलब गाड़ी में मुझसे बात कर रहा होता है और मुझे गाड़ी के बाहर कोई बड़े सुंदर से फूल दिख जाते हैं ना, तो मैं उनको उसको देखने लगती हूँ, अपने बेस्ट फ्रेंड की बातें इग्नोर कर देती हूँ और वो कभी कभी इस बात पे अनॉय भी हो जाते हैं। बट अभी के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ गेम पर फोकस करना है। द राइट आंसर इज मेघालय। मिजोरम और मणिपुर की स्टेट बर्ड है मिसेस ह्यूम्स पेजेट, वहीं मेघालय की जो स्टेट बर्ड है वो है हिल माइना, और यही सही जवाब था। किसने भी लाइफ नहीं यूज करी है, 4 लोगों ने सही जवाब दिया है और यही चारों लोग मेरे साथ बढ़ करके चले गए। तो क्वेश्चन नंबर 20 ऑन टुडेज स्पेशल एडिशन ऑफ ब्रेनबाजी, जीतू मैं जीते इंडिया पर। अब यार इतनी देर से बोल रही हूँ, लाइक आई सेड इस वाले मग को दोबारा से देख लो एक बार। ट्वेंटीथ क्वेश्चन पढ़ा जाएगा 4 लोगों के लिए ऑन योर स्क्रीन। ये रहा अकेडमी अवार्ड स्टैट्यूएट्स नेम्ड निकनेम्ड ऑस्कर वो मेड ऑफ डैश ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड, ब्रॉन्ज, वुड या प्लास्टर? सो बेसिकली मेटल की शॉर्टेज की वजह से इसे दूसरे मटेरियल से बनाना पड़ा था, बट क्या मटेरियल था वो ही बताना था आपने मुझे। वैसे जो रियल अवार्ड्स होते हैं ना वो सॉलिड ब्रॉन्ज के होते हैं एंड प्लेटेड इन 24 कैरेट गोल्ड। और आपको बताइए अकेडमी अवार्ड सबसे हाईएस्ट अवार्ड्स होते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, बट अभी के लिए लेट मी टेल यू व्हाट द राइट आंसर इज, इट इज प्लास्टर। आपको ना वॉर के बाद जिन सबको प्लास्टर अवार्ड मिला था ना वो एक गोल्ड अवार्ड लेकर के मतलब एक्सचेंज कर दिया था उन्होंने गोल्ड अवार्ड के बदले। हाँ नहीं फेक नहीं कर सकते, उनके पास रिकॉर्ड मिलती है। सो सिंपल यार, तीन लोगों ने बिल्कुल
अरुणाचल प्रदेश या मेघालय, अभी जो तीनों ही स्टेट्स है ना ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। एंड मैन व्हाट अ वाओ हो जाता है इनके बारे में, लाइक सुनते ही सोचना जब घूमने जाओगे तो कितनी फील आएगी। वैसे आपकी वेकेशन पक्की हो गई है, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज के शो की थीम वो है जिसके इर्द गिर्द 90s के बच्चों की पूरी लाइफ घूमती थी। जी हाँ, सही पकड़े हैं, इंडियन टेलीविजन का पहला सुपर हीरो शक्तिमान। तो अपने सातों चक्रों को खोल लीजिए क्योंकि हम देखेंगे कि आप शक्तिमान के कितने बड़े फैन हैं। क्वेश्चन नंबर वन ऑन योर स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पर